नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को देखते होंगे। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज 9 अगस्त है और पॉलिटेक्निकल लेटर एंट्री बेस पर सेकंड काउंसलिंग आज स्टार्ट होगी, हो चुकी है। और आप चाहते हो कि मुझे सेकंड काउंसलिंग में यानी काउंसलिंग करवानी है, और अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है या फिर आपको ट्रेड मिल चुकी है और आप सोच रहे हो कि मुझे वो ट्रेड या फिर वो कॉलेज नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक रीजन हो सकता है, और आपको अगर सेकंड काउंसलिंग करवानी है तो आप कैसे करवा सकते हो। दोस्तों मुझे जो है आई फ्लू हो चुका है, और जिसकी वजह से आप इस वीडियो में मेरी आँख भी देख सकते हो कि काफ़ी लाल हो चुकी है और सिर में भी काफ़ी दर्द है। तो इस चीज़ को आप इग्नोर करना, कभी आप सोचो कि सर को नींद आ रही है और नींद में बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप इग्नोर करना, और अपनी इस वीडियो में जो मैं डिटेल आपको देने आया हूँ उसको आप ध्यान से जरूर सुनना। तो सबसे पहले देखना क्या होगा कि सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल फोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसमें गूगल में आपको सर्च करना है टेक एडमिशन HRY.dovi.in। आपको यहाँ पर सर्च करना है तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक साइट मिलेगी टेक एडमिशन HRY.dovi.in। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फिर आपको आना है स्टेप सेकेंड पर। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना यानी कोर्स सेलेक्ट करना है डिप्लोमा इंजीनियर लेटर एंट्री बेस पर। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी होगी ये एंटर करने के बाद। उसके बाद आपका पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड होगा। उसके बाद ये कैप्चा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये कैप्चा सेम टू सेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर स्मॉल में है स्मॉल में, अगर काउंटिंग में है तो काउंटिंग में, अगर ये कैपिटल में है तो कैपिटल में। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वहाँ पर लिखा रहेगा कि अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज या फिर ट्रेड अलॉटेड हो चुकी है तो आप इसे एक्सेप्ट करिए, और अगर आपका सेकेंड काउंसलिंग नंबर पड़ जाता है जो आपको फर्स्ट में मिली है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, कॉलेज भी और आपकी ट्रेड भी। ये नहीं कि अगर आपको सेकेंड में यानी कि कुछ और ट्रेड मिल गई और उससे बेटर तो फर्स्ट वाली काउंसलिंग में थी तो आप पीछे नहीं जा सकते, या फिर आप फर्स्ट काउंसलिंग वाली को रिजेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल आप काट सकते हो। तो आपको सेकेंड में मिले या ना मिले वो गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। देन उसके बाद फिर आपको सिंपली नीचे आना है, नीचे आना है, बिल्कुल नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लिखा है आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट, यानी मैं समझता हूँ और इसे एक्सेप्ट करता हूँ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसिल सेकंड, यानी आप सेकंड काउंसिलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है। माई अर्ली एडमिशन या फिर अलॉटमेंट इफ़ एनी विल बी कैंसल ऑटोमेटिकली इन केस आई गोट न्यू अलॉटमेंट, यानी इसमें लिखा है कि जो आपने पीछे ट्रेड मिली है फर्स्ट काउंसलिंग में वो आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी जब आपको सेकेंड काउंसलिंग में आपको न्यू अलॉटेड या फिर न्यू आपको कॉलेज मिल जाएगा या फिर न्यू आपको ट्रेड मिल जाएगी, ये इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपका सेकेंड में नंबर पड़ा है, यानी कि अगर आपका सेकेंड में नंबर पड़ा है तो आपकी फर्स्ट वाले जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और सेकंड में काउंसलिंग के दौरान जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है कॉलेज या फिर आपको जो भी ट्रेड मिली है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपका सेकंड काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ा है, जो आपको फर्स्ट में मिली है वही फिर आपकी रहेगी, लेकिन जो फीस वगैरह आपने सबमिट करवा दी है वो आपकी रिफंड नहीं होगी। आई थिंक ऐसा यहाँ पर लिखा तो नहीं है, लेकिन वो आई थिंक वो रिफंड नहीं होगी अगर आपको कॉलेज अलग मिल जाएगा या फिर आपको ट्रेड भी अलग मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप इसको प्रॉपरली रिजेक्ट करना चाहते हो कि मुझे मिले या फिर नहीं मिले वो मुझ पर डिपेंड करता है, तो मैं इस ट्रेड को बिल्कुल कैंसिल करना चाहता हूँ जो मुझे कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट या फिर मुझे ट्रेड मिली है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आपको क्या करना है फिर रिजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप इसे एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। अगर एक्सेप्ट करोगे तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपको जो मिला है वो भी रहेगा, और सेकंड में अगर आपको मिलेगा तो फर्स्ट वाला कट जाएगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपकी है ट्रेड कॉलेज वो आपको ऑटोमेटिक से आपके पास रहेगी। अगर रिजेक्ट करोगे तो फर्स्ट वाली जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, और सेकंड में नंबर पड़े या ना पड़े फिर वो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर आपको फर्स्ट वाले में आप नहीं जा सकते। तो ये था इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। काफ़ी लड़के मुझे पूछ रहे थे कि सर मैंने अब मुझे सिविल इंजीनियरिंग मिला है, मुझे मैकेनिकल चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, मुझे सिविल नहीं चाहिए, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक मिली है मुझे मैकेनिकल चाहिए या इलेक्ट्रिकल चाहिए।
तो मैं सेकंड काउंसिल करवा सकता हूँ नहीं करवा सकता, तो मैंने इस वीडियो में आपको जवाब और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।